इसको मेरी गुफ्तगू को सुनिए। मैं किसी को यहाँ पर सपोर्ट, किसी को फेवर करने नहीं जा रहा हूँ। जो रियलिटी है उन दो तीन चीज़ों से बस आपको रूबरू कराऊंगा कि आरसी का रिजल्ट आखिर क्यों हमारा दिन ब दिन गिरता चला गया और आज की डेट में हालात ये हैं कि जीरो रिजल्ट आ रहे हैं ये। और साथ तो देखिए सबसे पहले इसमें कि देखिए आरसीए के रिजल्ट्स को गिरने की जो सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका चेंज होना। यहाँ पर ही कुछ लोग एकदम से कहेंगे अचानक से कि जामिया पर इसके क्यों असर नहीं पड़े। जामिया की आरसीए पर इसका असर ना पड़ने की वजह है दोस्तों जामिया की लोकेशन। जामिया दिल्ली में लोकेट करती है। दिल्ली में जिस फैकल्टी को आप टीचिंग करने के लिए हायर करेंगे वो सिर्फ टीचिंग आवर्स का ही आपसे पेमेंट मांगेगा। अगर अच्छी फैकल्टी आप लाएंगे तो दिल्ली से चल करके आएगी। दिल्ली से आने और जाने का ट्रेवलिंग टाइम ही कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। उसको आप 6 से 7 घंटे भी आपको अगर पेमेंट करने पर आए आप तो अगर 4 घंटे यहाँ पढ़ा रहा है 6 घंटे ट्रेवलिंग टाइम उसे 10 घंटे का पेमेंट चाहिए। जबकि जामिया 10 घंटे का पेमेंट कर करके 10 घंटे टीचिंग करा सकती है। यानी आप बहुत बेहतर अच्छी फैकल्टीज कितना भी कोशिश करके अलीगढ़ में नहीं ला सकते। सबसे बड़ी वजह कि लोकेशन ऑफ अलीगढ़ या आरसीएएमयू बहुत जो अच्छी फैकल्टीज हैं वो दिल्ली से अलीगढ़ नहीं आ पाती हैं। अलीगढ़ सिर्फ और सिर्फ कौन सी फैकल्टीज आती हैं जो न्यू फैकल्टीज हैं या तो वो आ पाती हैं या सिर्फ वो फैकल्टीज आती हैं जिन्होंने जो अपने आप को पॉपुलर करना चाहती हैं अपने आप को पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। वो यहाँ पर एक मार्केट अच्छी सी देखने के नाते यहाँ कुछ दिन के लिए कुछ क्लासेस लेने चले आते हैं या कुछ लोग जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं वो आते हैं। तो सोशल सर्विस करने वाले बहुत सारे लोग तो इंडिया में मौजूद नहीं हैं जो मेहनत से पढ़ाएं और मेहनत से लगातार कंटिन्यूटी के साथ आते रहें यहाँ पर। यानी एक जो सबसे बड़ी वजह है जामिया की और यहाँ की लोकेशन। दूसरी बड़ी वजह उसके साथ साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यूपीएससी का जो आईएएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका चेंज होना। क्योंकि अगर आप नज़र दौड़ाएं एग्ज़ाम पैटर्न पर तो पाएंगे कि 2011 के बाद से एग्ज़ाम पैटर्न में एकदम से ये मानिए कि एकदम कंप्लीट चेंज आ गया है। उससे पहले थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे लेकिन 2001 में एक कंप्लीट चेंज एग्ज़ाम पैटर्न में हुआ। उससे पहले का एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या हुआ करता था। उससे पहले हुआ ये करता था कि प्री में बंदे को अलग अपना एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो चूज करने की उसे फैसिलिटी हुआ करती थी प्री में भी। उसके बाद दो ऑप्शनल पेपर्स मेंस एग्जाम में हुआ करते थे। जो मेन जो एग्जाम हुआ करता था जो दो ऑप्शनल पेपर्स हुआ करते थे उनका मेन पोर्शन हुआ करता था। लेकिन 2011 के बाद में एकदम से क्या हुआ कि प्री एग्जाम का ही पैटर्न चेंज कर दिया गया। प्री एग्जाम में जो ऑप्शनल पेपर हुआ करता था उसको हटा दिया गया। हटा करके वहां पर ऑप्शनल पेपर की जगह पर सी सेट लेकर के आए। सी सेट के आने से काफी एकदम रिवर्स हो गई तैयारी का जो पैटर्न था पूरी तरीके से चेंज हो गया। यानी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हर्डल आया यूनिवर्सिटी की या हमारी आरसीए में यानी अब हमें नए तरीके के जो हमारा एक ओल्ड एज पैटर्न था तैयारी का वो एकदम से चेंज हो गया। जिसको हमारे स्टूडेंट्स ने या हम लोगों ने अडप्ट कर लिया था वो एकदम से चेंज हुआ। अब न्यू पैटर्न पर लाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ कोचेस की ज़रूरत होती है, गाइड्स की ज़रूरत होती है, जो प्रॉपर गाइड्स हमारे यहाँ अलीगढ़ में अवेलेबल नहीं हो पाए। यहाँ तक भी रहता तो भी काम चलता। 2013 में आकर के फिर से चेंज हुआ जो बहुत बड़ा चेंज था अपने आप में। जो सबसे बड़ा चेंज था यूपीएससी की हिस्ट्री में वो 2013 का था। 2013 में यूपीएससी ने क्या किया कि जो दो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे यूपीएससी ने तो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा करके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया और जनरल स्टडीज के जो दो पेपर हुआ करते थे उनको 4 कर दिया। 2013 के बाद का जो सिलेबस यूपीएससी का हो गया, कुछ लोग जो यूपीएससी के जानकार हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि एवरी थिंग इन द रेज ऑफ सनलाइट आर इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी।
तमाम ब्रह्मांड की जितनी भी नॉलेज है वो सब यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है, कुछ लोग ऐसा कहने लगे। यानी अब यहां के बाद में हमें अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला यूपीएससी के सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में। जो ओल्डेस्ट पैटर्न था वो एकदम से चेंज हो गया। हमारे जो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो लोकल टीचर्स हैं, नो डाउट एक से काबिल टीचर पढ़े हैं हमारे पास, लेकिन एक सब्जेक्ट की नॉलेज वो दे सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकते हैं। यही वजह थी कि हमारी आरसीए 2013 या उससे पहले तक रिजल्ट्स देता था, क्योंकि जब तक दो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कराने के लिए हमारे पास बेहतर टीचर अपने यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। लेकिन अब क्या हुआ 2013 के बाद कि अब कोई भी सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल पेपर को छोड़ दिया जाए तो चार जो पेपर थे वो सभी सब्जेक्ट्स का एक ऐसा मिक्सचर था कि जिसमें न तो बहुत डेप्थ में नॉलेज की आपको ज़रूरत है और न बिल्कुल सतही नॉलेज, हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी आपको अब यहाँ से ज़रूरत थी ट्रेंड टीचर्स लाने की, जो एकदम से प्रोफेशनल टीचर्स हों, इसी फील्ड के टीचर्स हों, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स। अब यहाँ से आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे 2013 के बाद। और वही रीज़न रहा कि अब जो मैंने फिर अब पीछे जाइए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोकेलिटी लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होने लगा। अब हमें ज़रूरत थी अच्छे टीचर्स को हायर करके लाने की। अच्छे टीचर्स हायर करके लाए जाएंगे तो उनका जो ऑनरेरियम होता है वो आर्ली बेसिस पेमेंट होता है। वो ये देखते हैं कि हमारे कितना घंटे एक्सपेंड हुआ, कितना घंटे हमने अपना स्पेंड किया यहाँ पर। यानी अगर वो दिल्ली से जब चला और दिल्ली जब तक अपने घर नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो अपना वर्किंग टाइम काउंट करेगा। आप उसे ला करके चार घंटे अगर यहाँ पढ़वाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर 5,000 रुपये घंटे का कोई टीचर ऑनरेरियम मांग रहा है, चार घंटे के उसको अलीगढ़ में 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसके 10 घंटे बर्बाद होंगे, उसे वो 2,000 रुपये पर आर पड़ेगा। अगर आप 5,000 रुपये पर आर उसको 10 घंटे के देंगे तो 50,000 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे चार घंटे के। यानी जिस टीचर को दिल्ली में उपस्थित कोई भी इंस्टीट्यूट 5,000 रुपये घंटे के आपके एतवार से के हिसाब से अगर पैसे दे करके बहुत इजीली हायर कर सकता है, उसी टीचर को हम अलीगढ़ में हायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए या तो पेमेंट 10 घंटे का या फिर उसे पेमेंट चाहिए 4 घंटे में ही 10 घंटे का। इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अच्छे जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको अलीगढ़ तक लाना हमारे आरसीए के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी मुश्किल है या मुश्किल हो गया। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे हमारे पुराने, वो फेल कर गए यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। आज भी हमारी आरसीए में अगर हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस को हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स पढ़ाते हैं। नो डाउट हमारी यूनिवर्सिटी में एक से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में लगातार जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब सिलेबस कुछ इस तरीके का हो गया कि अब आपको एकदम डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है प्रोफेशनली उसको पढ़ाने की। जो एकदम प्रोफेशनली पूछा क्या जा रहा है उससे लिंक्ड हों लोग,